हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। और दोस्तों, ये अभी जो भी साउंड आपको सुनाई दे रही है, इसी माइक से सुनाई दे रही है गाइस। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। और गाइस, इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, आपको कैसा ये देखने को मिलता है और ये अपने प्राइस में जस्टिफाई करता है या नहीं, गाइस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप कैसा है, सभी चीज़ें गाइस यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। ये हमने फ्लिपकार्ट से बाई किया था। तो दोस्त, ये वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कहीं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, ये देख सकते हैं हमारा रियलमी बड्स वायरलेस नियो 2 लिखा हुआ देखने को मिलता है सबसे ऊपर। उसके बाद साइड में देखेंगे तो रियलमी। और गाइस, यहाँ पे मेन हाईलाइटिंग फीचर्स दिए गए हैं। 11.2 mm का बास बूस्ट ड्राइवर देखने को मिल जाता है, 17 आवर्स का बैटरी बैकअप, मैग्नेटिक कनेक्शन, गेम मोड देखने को मिलता है गाइस, फास्ट चार्जिंग भी है। और साथ में गाइस यहाँ पे वाटर प्रूफ देखने को मिलता है, IP X4 रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस चलते हैं, आप बॉक्स को ओपन करते हैं और फिर आपको डिटेल में सारी जानकारी तो देंगे ही गाइस, कैसा परफॉर्म करता है, बैटरी बैकअप कैसा है, सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पैकेजिंग काफ़ी मस्त हुई है गाइस, तो पैकेजिंग मुझे काफ़ी सही लगी। इसके पीछे के साइड आपको देखने को मिलता है एक टाइप सी केबल। इसके अलावा गाइस हमें एक ईयर टिप्स दो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है छोटे छोटे साइज के, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेपर्स देखने को मिल जाती है गाइस। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो गाइस, इसके ऐप में काफ़ी ज़्यादा आपको फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू अगर आपको अच्छा नहीं भी सुनाई दे रहा होगा तो आप काफ़ी कस्टमाइज कर सकते हैं। और फोन में जो देखने को मिलता है इक्वलाइजर को चेंज करने का सेटिंग के थ्रू, तो उसके थ्रू भी गाइस आप इसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद से अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। डायनेमिक बहुत ही मस्त वर्क करता है। और यहाँ पे गाइस आपको बटन के फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि ऐप के थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एक इशू मुझे इसमें लगा, वो है गाइस जो लेटेंसी है, वो मुझे काफ़ी मतलब बेकार लगा गाइस। यहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था तो जो बंदा था उसका मुंह चला जाता था आगे और साउंड आती थी बाद में, तो गाइस ये एक इशू मुझे देखने को मिला। बट इसको फिक्स कर सकते हैं, कैसे वो मैं गाइस आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। और दोस्त, यहाँ पे बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो गाइस बैटरी बैकअप जैसे कि हमारी कंपनी है वो क्लेम करती है यहाँ पे गाइस 70 आवर्स की बैटरी बैकअप। तो गाइस 70 आवर्स मैंने यूज़ किया, मतलब एक दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और लगभग मैंने जब इसको लाया था तो 80% था, और मैंने 6 घंटे के अप्रॉक्स इसको यूज़ किया तो बैटरी परसेंटेज आ गई थी 40 पे। तो गाइस काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप दे रहा, जैसे कि बैटरी कंपनी ने क्लेम किया था उस हिसाब से ये बैटरी बैकअप गाइस प्रोवाइड कर दिया, तो इससे मुझे कोई भी मुझे शिकायत नहीं देखने को मिली। और इसी के साथ गाइस बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। तो जब मैं ये 40% पे आ गया था तो मैंने मात्र 20-25 मिनट का अप्रॉक्स चार्ज में लगाया हुआ, 20 मिनट मुश्किल से हुए होंगे, और उतने देर में गाइस ये 80% टच कर लिया था। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज भी होता है, और मैंने यूज़ किया था Xiaomi का 33 वाट वाला चार्जर, और गाइस इजीली मस्त चार्ज किया, काफ़ी ज़्यादा फास्ट और बैटरी बैकअप भी अच्छा दे रहा है, तो इससे मुझे कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली। वायर की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मतलब 1000 में आपको क्या चाहिए भाई, अभी सेल पे मिल रहा है, नहीं तो बाद में 1500 हो जाता है, नहीं तो अभी काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, और 1000 में मुझे नहीं लगता कि इससे आपको शिकायत देखने को मिल सकती है। यहाँ पे गाइस ये जो दिया है इसमें मैग्नेट, ये काफ़ी कमाल का है और काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाता है गाइस। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, तो एक मिनट में दिखा देता हूँ दोस्त। तो गाइस यहाँ पे कोई एडिशनल बटन आपको देखने को नहीं मिलता इसको ऑन करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ ये जो है ना दोनों चिपके हुए हैं, इसको अगर आप अलग करते हैं तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पे हम ब्लूटूथ को ऑन कर दिए, ठीक है गाइस, और देखिए कितने देर में ये कनेक्ट होगा, यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा है, पर जब तक ये हम इसको अलग नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कनेक्ट होगा। जैसे गाइस यहाँ पे देखिए मैं अलग करता हूँ और फिर आप देखिए कितना देर में ये हो जाता है गाइस। तो ये देखिए हमने अलग किया और आप देखेंगे कनेक्ट हो गया। तो गाइस काफ़ी तेज़ी से होता है, जैसे कि देख सकते हैं, फिर से मैंने अटैच किया और ये छोड़ दिया कनेक्शन, फिर ये देखिए हमने अलग किया और ये देखेंगे इस कनेक्ट हो गया। तो मतलब 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड के अप्रोक्स में ये कनेक्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, तो इससे गाइस कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये साउंड क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलता है, कनेक्शन भी अच्छा है, बस गाइस यहाँ पे डिले मुझे लगा साउंड का, मतलब जब आप वीडियोस देखते हैं गेमिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये गाइस थोड़ा लेट आपको साउंड सुनाता है। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो वो बंदा मुंह चला देगा और साउंड आएगी बाद में, बट उसको भी फिक्स कर सकते हैं गाइस, कैसे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्त।
तो दोस्त इसको कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपली आपको वो ऐप को यूज़ करना होगा, वो है गाइस रियल मी लिंक। तो ये गाइस आपको ऐप देखने को मिलता है, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ से गाइस आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, और जो कनेक्ट होता है वो आपको शो होगा। जैसे गाइस यहाँ पे हम देखिए ये छोड़ते हैं और देखिए कितना फास्ट ये कनेक्ट कर लेगा गाइस। ओके, और गाइस इस टाइम पे थोड़ा सा लेट किया, दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर दिया इसके वजह से। अब गाइस यहाँ पे अटैच कर दिया, अब देखिए अलग करते हैं, फिर ये देखिए कितना फास्ट कनेक्ट कर लेगा, देख सकते हैं गाइस। तो यही 2-3 सेकंड का फासला रहता है गाइस। यहाँ पे देखेंगे ये हमने किया, यहाँ पे गाइस आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 100 पे है, और यहाँ पे गाइस आपको 3 टाइप का ये देखने को मिलता है ऑप्शंस। ओके गाइस, तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं खुद से, बास बूस देखने को मिलता है और डायनामिक ब्राइट, तो डायनामिक वाला सबसे अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम इनहेंसर देखने को मिलता है, इसके अलावा गाइस यहाँ पे गेम मोड देखने को मिलता है। अब गाइस गेम मोड का क्या फ़ायदा है, वही है गाइस, अगर जो साउंड जब आपको डिले फील हो उस टाइम पे गाइस ये गेम मोड को ऑन कर सकते हैं, या यहाँ पे आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भाई अलग है, तो बटन सेटिंग में जैसे ही गाइस यहाँ पे आप जाएंगे बटन सेटिंग में, तो यहाँ से आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने ये गेम मोड को ऑन करने के लिए टॉच एंड होल्ड किया है, मतलब ये जो बीच वाला बटन है ये तो दोनों वॉल्यूम वाला बटन है, बट जो बीच वाला है इसको आप देर तक प्रेस कीजिएगा तो गेम मोड में चला जाएगा, सिंगल टैप कीजिएगा तो गाना पॉज या प्ले होगा, डबल टैप कीजिएगा तो नेक्स्ट सॉन्ग आएगा, ट्रिपल टैप कीजिएगा तो प्रीवियस सॉन्ग आएगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा ये रहता है गाइस। तो गेम मोड में जब आप इसको इनेबल करेंगे गेम मोड जैसे ही, उसके बाद से गाइस जो साउंड डिले है वो इशू फिक्स हो जाएगा, और फिर गाइस काफ़ी अच्छी से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये गाइस काफ़ी सही है, और इस प्राइस में मैं कहूँगा काफ़ी मस्त देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी, तो आप इसको ज़रूर से चूज़ कर सकते हैं। और ये गाइस लोहे में भी चिपक जाता है, हमारे फ़ोन में कहीं चिपके भाई यहाँ पे नहीं चिपक रहा है, बट लोहे में गाइस इजीली चिपक जाता है, तो आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, कहीं लोहे पे भी चिपका के टांग सकते हैं गाइस, तो कुछ ऐसा रहता है। तो ओवरऑल कहें तो गाइस काफ़ी सही है, यहाँ पे आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलता है, जो इशू मुझे लगा उसको फिक्स कर सकते हैं गेम मोड के थ्रू ऑन करके, और गाइस सभी चीज़ें यहाँ पे ठीक देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अलविदा।